नमस्कार बच्चों, एक बार फिर हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, जैसे कि आपको पता है, पिछली क्लास में हमने पाठ 9 के मौखिक और लिखित प्रश्नों का अभ्यास किया था। आज हम उसके आगे का कार्य करते हैं। तो हमारा अगला जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2, सही उत्तर पर टिक लगाना है। सही उत्तर पर हमें टिक का निशान लगाना है। तो हमारा पहला जो पार्ट है, क्या है, मनवा छड़ी पर टेक लगाकर खड़ा क्या सोच रहा था। तो बच्चे, 3 ऑप्शन हमारे पास, भेड़ों के बारे में, पहेली का जवाब या टोपी के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है पहेली का जवाब। मनवा पहेली का जवाब सोच रहा था। सेकंड देखो बच्चों, घोड़ा क्या देखकर डर गया। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं बच्चों, कि घोड़ा न तो भेड़े देखकर डरा, न मनवा को देखकर। वो किसको देख के डरा? फर की टोपी देखकर। ठीक है, अगला देखो, घुड़सवार कैसा था, बूढ़ा, नौजवान या मूर्ख। तो बिल्कुल बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? नौजवान। अगला प्रश्न देखो बच्चों, मनवा भेड़े कहाँ चरा रहा था, सड़क पर, खेत में या मैदान में। तो हमारा उत्तर क्या होगा? चैप्टर के आधार पर, मैदान में। उसके बाद देखो आखिरी हमारा, मनवा स्वभाव से कैसा था, मूर्ख, चतुर या शरारती। तो बिल्कुल बच्चों, चैप्टर के आधार पे हमारा आंसर होगा चतुर। तो इस प्रकार हमने सेकंड क्वेश्चन किया। अब करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। सही उत्तर पर सही शब्द चुनकर हमें फिलअप करना है। तो हमारे सामने ऑप्शन दे रखे हैं, आप देख सकते हो, इन्हीं ऑप्शन में से जो सही चूज करके हमें ये फिल करने हैं। तो हमारा पहला है, मनवा बहुत लड़का था। तो बच्चों, इसका उत्तर क्या होना चाहिए? मनवा बहुत चतुर लड़का था। ठीक है, खै पाठ, घोड़ा डैश था, कैसा था घोड़ा? तो देखिए ऑप्शन में हमारा जो, यस बिल्कुल, घोड़ा डरपोक था, यही करेंगे हम। ठीक है बच्चों, गै पाठ देखो, घुड़सवार ने एक डैश बांसुरी निकाली, कैसी बांसुरी निकाली? तो बिल्कुल हमारा आंसर होगा बच्चों, सुंदर बांसुरी निकाली। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चों, अगला घैपाट, भेड़ों का झुंड डैश में घास चर रहा था। तो कहाँ घास चर रहा था? तो देखो बच्चों, हमारा आंसर होगा मैदान में। भेड़ों का झुंड मैदान में घास चर रहा था। और हमारा आखिरी फिलअप है, घुड़सवार ने कहा कि तुम डैश जवाब देते हो। तो बच्चों, हमारा एक ही ऑप्शन रहा है, वो है हमारा ये, सही। घुड़सवार ने कहा कि तुम सही जवाब देते हो। तो बच्चों, ये हमारे फिलअप हुए। अब हमारा अगला जो आता है वो है भाषा ज्ञान, यानी कि व्याकरण संबंधी प्रश्न उत्तर अब हम हल करेंगे। पहला प्रश्न, वचन बदलिए। तो यहाँ पे हमें वचन बदलने हैं। एक वचन है तो हम उसको बहुवचन में बदलेंगे, और बहुवचन है तो एक वचन में। हमें शब्दों को ध्यान से पढ़ना है। तो हमारा जो पहला शब्द है बांसुरी, तो बांसुरी का बहुवचन होता है बांसुरिया। ठीक है, उसके बाद देखिए, भेड़, भेड़े, पहेली, पहेलिया, घोड़ा, घोड़े, टोपी, टोपिया, सड़क, सड़के, छड़ी, छड़ियां, आवाज, आवाजें। इस प्रकार हम इन सभी शब्दों के वचन बदलेंगे। अब देखो बच्चों, अगला हमारा जो व्याकरण संबंधी प्रश्न है, उसमें भाववाचक, एक तरफ भाववाचक संज्ञा दे रखी है जिसको हमें विशेषण में बदलना है बच्चों, और एक तरफ विशेषण दे रखे हैं जिनको हमें भाववाचक संज्ञा में बदलना है। यानी कि भाववाचक को विशेषण में बदलेंगे और विशेषण को भाववाचक में। तो चलिए पहले हम भाववाचक वाला करते हैं। क्या पाठ, ईमानदारी। तो ईमानदारी भाववाचक संज्ञा है, तो इसका विशेषण शब्द बनेगा ईमानदार। ठीक है बच्चों, क्या बनेगा? ईमानदार। अमीरी, अमीरी भाववाचक संज्ञा है, तो इसका विशेषण बनेगा अमीर। क्या विशेषण बनेगा बच्चों? अमीर। और ऊंचाई, ऊंचाई जो भाववाचक संज्ञा है, इसका विशेषण शब्द बनेगा ऊंचा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हमने विशेषण शब्द बनाए। अब हम विशेषण शब्दों से भाववाचक
संज्ञा बनाएंगे। तो हमारा जो पहला है बुरा, तो बुरे बुरा जो शब्द है इसकी भाववाचक संज्ञा है बुराई, ठीक है। लंबा लंबाई, और हमारा आखिरी है वीर, तो हम इसकी भाववाचक संज्ञा बनाएंगे वीरता। तो बच्चों यहां पर हमने भाववाचक को विशेषण और विशेषण को भाववाचक में बदला है, ठीक है। आप इसको अच्छे से समझना। अगला प्रश्न देखो बच्चों, नीचे दिए गए वाक्यों के सामने काल लिखिए। तो बच्चों हमें ये जो नीचे वाक्य दे रखे हैं इनके काल यानी कि ये किस काल के वाक्य हैं। तो बच्चों पहला देखो हमारा क्या है, बांसुरी तुम्हारा दिल बहलाएगी। तो बच्चों ये जो गी शब्द है ये किसके बारे में बता रहा है, ये बता रहा है कि ये भविष्य काल यानी कि आने वाले समय के बारे में बात हो रही है कि तुम्हारा दिल बहलाएगी। तो इसे ये कौन सा काल हुआ, भविष्य काल। उसके बाद खे पाठ देखो बच्चों, मैं बड़े मन से इसे तुम्हें दे रहा हूं। तो है शब्द हमारा क्या है, दे रहा हूं यानी कि ये काम अभी हो रहा है, तो जो काम हो रहा है या चल रहा है उसे हम वर्तमान काल कहेंगे। तो ये वाक्य हमारा वर्तमान काल है यानी कि प्रेजेंट टेंस, ठीक है बच्चों। और हमारा आखिरी वाक्य है, मनुआ अपनी भेड़े चरा रहा था। देखो था शब्द यानी कि था का मतलब ये काम हो चुका है, तो जो हो चुका होता है वो कौन सा काल होता है, भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस, जो बीत चुका है। तो बच्चों इसके सामने हम कौन सा काल लिखेंगे, भूतकाल। तो बच्चों इसी प्रकार के वाक्यों का आप अभ्यास करिए, शब्दों पहचान करिए कि कहाँ पे कौन सा काल हम कैसे पता करेंगे, कैसे पहचान करेंगे। और ये तभी होगा जब हम इसके जितना अधिक अभ्यास करेंगे उतना ही ज्यादा ये हमें समझ में आएगा। तो चलो बच्चों अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 4, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो बच्चों यहाँ पे ये फिलअप है जो कि बहुत आसान है, अगर ये ऑप्शन नहीं भी होते तो भी हम इसको इजीली कर सकते थे। पहला देखिए कै बांसुरी मनवा डैश पसंद आई, तो यहाँ पे हमारा हुआ को, मनवा को बहुत पसंद आई। खै पाठ घोड़े डैश एक आदमी बैठा था, तो यहाँ पे हमारा घोड़े पर, सेकंड में क्या आएगा, घोड़े पर एक आदमी बैठा था। उसके बाद देखो बच्चों दादी जी बच्चों के लिए, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, ये देखो के लिए जो हमारा पहला ऑप्शन है, के लिए क्या लेकर आई, लड्डू लाई थी, ठीक है बच्चों। घे पाठ देखो मेरे बस्ते डैश कहानी की किताब है, तो इसमें क्या आएगा, मेरे बस्ते में कहानी की किताब है। उसके बाद देखो मेरा घर विद्यालय डैश काफी दूर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, मेरा घर विद्यालय से काफी दूर है। अब बच्चों अगला देखो, चै मोहन डैश साइकिल खो गई, तो यहाँ पे क्या आएगा, मोहन की साइकिल खो गई। देखो यह सी लास्ट का ऑप्शन की, मोहन की साइकिल खो गई। अब बच्चों हमारे पास एक ही ऑप्शन रहा है और एक ही हमारा फिलअप बचा है, माली बच्चों को फूल दिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, माली ने, जैसे कि आप जानते हो कि हमारा एक ही ऑप्शन बचा है तो यहाँ पे क्या आएगा, ने। तो इस प्रकार बच्चों हमने ये सही शब्द चुनकर इसमें फिल किए। अब हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, शब्दों को सही क्रम में रखकर वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो बच्चों इन वाक्यों के शब्द सही नहीं है यानी कि सही क्रम में नहीं है, हमें इनको सही क्रम में और वाक्य को शुद्ध करके लिखना है। जैसे पहला देखिए, मुझे पहली बूझली। तो बच्चों जैसे ही हमने इस वाक्य को पढ़ा हमें पता लग गया कि ये वाक्य सही नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या बदलेंगे, मुझे को किस में बदलेंगे, मेरी, मैंने पहली बूझली, मुझे की जगह हम क्या लिखेंगे, मैंने पहली बूझली। इसी प्रकार खै पाठ देखो, घुड़सवार हंसता पड़ा, तो इसको हम हंसता का किस में बदलेंगे, घुड़सवार हंस पड़ा, ठीक है ना बच्चों, यहाँ पे हम करेक्शन करेंगे। गैपाठ लड़का मनवा चतुर था, तो हम इसको कैसे सही क्रम में लिखेंगे, मनवा च
चतुर लड़का था, ठीक है ना। इस प्रकार हम इनको शुद्ध करेंगे। अगला देखो बच्चों, मेरा इंतजार करना तुम यही कल, इसको हम कैसे शुद्ध बनाएंगे, तुम कल यही मेरा इंतजार करना। इस प्रकार हम इस वाक्य को लिखेंगे कि तुम कल यही मेरा इंतजार करना, ठीक है ना बच्चों। और उसके बाद हमारा आखिरी है, बुद्धिमान तुम हो बहुत, तो ये हमारा वाक्य कैसे शुद्ध होगा, तुम बहुत बुद्धिमान हो, ठीक है ना बच्चों। तो इस प्रकार शब्दों को सही क्रम में रखकर वाक्य को शुद्ध करने का अभ्यास करें, ताकि जितना हम अभ्यास करेंगे उतना ही हमें ये समझ में आएगा। तो बच्चों आज हमने ये चैप्टर 9 का एक्सरसाइज वर्क हमने पूरा किया। अगली क्लास में फिर हम एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।